अकेलेपन को दूर करने के 16 तरीके। आज मैं आपको बता रहा हूं अकेलेपन के बारे में कि अकेलापन क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अकेलापन क्या है? अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलेपन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेले व्यक्ति को मजबूत पारस्परिक संबंध बनाने में कठिनाई होती है। दरअसल बहुत से लोगों के होते हुए भी आप अपने आप को तब अकेला महसूस करते हैं जब आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता, जरूरत के समय सहारा नहीं मिलता। तब लोगों के मन में अंदर ही अंदर युद्ध सा चल रहा होता है और वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अपने मन के अंदर के उस गुब्बार को बाहर निकलने के लिए जब कोई सुनने वाला नहीं मिलता, समझने वाला नहीं मिलता, तब लोग अकेलापन महसूस करते हैं। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अकेलापन और अकेला होना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलेपन में आप लोगों के बीच में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन वह दौर होता है जब आपको अकेला रहना पसंद नहीं होता और आप नाखुश होते हैं। जबकि जब आप अपनी इच्छा से अकेले होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एकांत चाहते हैं और एकांत में आप अकेले होकर भी खुश रहते हैं। उस स्थिति में आप अपने आप को सकारात्मक, ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से तरोताजा महसूस करते हैं और वो एकांत आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी देता है। अकेलापन क्यों होता है? हर इंसान के अकेलेपन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। यहां मैं कुछ कारण बता रहा हूं जिनकी वजह से हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। घर परिवार में किसी से किसी बात पर विवाद होने पर, पढ़ाई लिखाई या किसी काम में असफलता मिलने पर, किसी बात का अहंकार होना या घमंड होना, किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर, जीवन साथी से तलाक होने पर, बिजनेस व्यापार में घाटा होने पर, बेरोजगार होने पर, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा धोखा देने पर, घर या आसपास के माहौल से प्रभावित होकर, कोई गलती या अपराध करने पर, किसी के द्वारा भावनात्मक रूप से परेशान होकर, पति पत्नी के आपसी झगड़े या विचार ना मिलने पर, बुढ़ापे में बच्चों द्वारा उपेक्षा होने पर, अलग अलग लोगों के अलग अलग नेचर के कारण और भी बहुत से कारण हो सकते हैं अकेलेपन के। क्या नुकसान होता है अकेलेपन से? अकेलापन यदि अधिक समय तक टिक जाए तो आदमी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं है। फिर यह अकेलापन धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाता है। अकेलापन ना सिर्फ मानसिक रूप से बीमार बनाता है बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार बनाता है। एक अध्ययन के अनुसार अकेलापन शरीर को उतना नुकसान पहुंचाता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान होता है। अकेलेपन से अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, व्याकुलता और आत्मविश्वास में कमी, लो कॉन्फिडेंस जैसी मानसिक बीमारियां होती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने लगती है, जिससे उनके शरीर में सूजन व जलन होने लगती है। घाव या संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। लंबे समय तक शरीर में सूजन रहने से हृदय वाहिनी के रोग और कैंसर हो सकता है। नंबर एक, अकेलेपन का कारण पता करें। सबसे पहले आप अपने अकेलेपन का कारण पता कीजिए। वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिससे आप इतना परेशान हैं या जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर उस कारण को, उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। वो वजह अगर किसी से बात करके या मिलकर खत्म हो जाती है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। अगर आपको अपने अकेलेपन की वजह पता है और वो वजह आपके दायरे में है तो जल्द से जल्द उस वजह को खत्म करने के विकल्प तलाशिए, और अगर वो वजह आपके दायरे से बाहर है तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ने के नए विकल्पों पर ध्यान दें। नंबर दो, लोगों से मेलजोल बढ़ाएं। जिन लोगों से बात करने में आपको खुशी मिलती है उनसे बात करें, उनसे मिलें। नए और अच्छे विचारों वाले लोगों से बात करें, मेलजोल बढ़ाएं, दोस्तों के साथ पार्टी करें, बाहर खाना खाने जाएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं या परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, शादी फंक्शन में जाना शुरू करें, क्योंकि वहां नए नए अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अकेलेपन से थोड़ा बाहर आएंगे।
जैसे जैसे आपका सामाजिक मेल जोल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका अकेलापन दूर होता जाएगा और आप खुद को काफी हल्का, तरोताजा व खुश महसूस करेंगे। नंबर 3, पूरे दिन के काम की प्लानिंग करें। अक्सर देखा गया है कि दिन भर के काम अस्त व्यस्त होने से या कोई इंपॉर्टेंट काम पूरा नहीं होने से लोग तनाव से घिर जाते हैं और वो काम के बोझ तले दब जाते हैं, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। फिर वो उस काम को पूरा करने में ही लगे रहते हैं और अपने आप में ही व्यस्त रह जाते हैं और ऑफिस के लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना बंद कर देते हैं और घर पर आकर भी ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं, जिससे वे एक तरह से लोगों से दूर से हो जाते हैं। इसलिए अपने डेली के कार्यों की प्लानिंग करें। आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं उसको प्लान करें, जैसे घर के काम, ऑफिस के काम आदि। उसमें सबसे जरूरी काम सबसे पहले रखें, फिर उनको प्लानिंग के अनुसार पूरा करें। ऐसा करने से आप अपना काम समय से पूरा करेंगे और काम के बोझ तले नहीं दबेंगे, जिससे आपका तनाव कम होगा और आप ऑफिस तथा घर पर खुशी से लोगों से मिल सकेंगे। नंबर 4, पढ़ने की आदत डालें। रोजाना कुछ ना कुछ नया पढ़ने की आदत डालें। अपनी पसंदीदा किताबें, पत्रिकाएं पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या इंटरनेट पर कुछ प्रेरणादायक चीजें सर्च करें। मोटिवेशनल ब्लॉग्स, वेबसाइट्स पर लिखे आर्टिकल पढ़ें। पढ़ने से रोजाना देश दुनिया के हालचाल से रूबरू होंगे और नई नई बातें पता चलेंगी, जिससे दिमाग अकेलेपन से हटकर नई जगह लगेगा और आप और ज्यादा नई नई चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 5, नई भाषा या कोई नया काम सीखें। कोई नई विदेशी भाषा सीखना शुरू करें। ये आपको रोचक भी लगेगा और मजेदार भी लगेगा, या अपनी पसंद या अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई नया काम या नया कोर्स सीखना करना शुरू कर दें। इससे आपके समय का सदुपयोग होगा, आपके ज्ञान का विस्तार होगा और नई तथा मजेदार चीजों से आपका मन भी खुश रहेगा और आप अकेलेपन से भी बच सकेंगे। नंबर 6, सोशल एक्टिविटीज में शामिल हों। अपने आसपास होने वाली किसी सामाजिक कार्य में शामिल हों। किसी सामाजिक संस्था को ज्वाइन करें, लोगों को अप्रोच करें, किसी के पहल करने का इंतजार न करें, खुद पहल करें। किसी गरीब की मदद कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा दें। ये काम करके देखें, दिल को अच्छा लगेगा, आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी और आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप लोगों से जुड़ाव महसूस करेंगे। नंबर 7, ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें। सोशल साइट्स पर एक्टिव रहें। फेसबुक ज्वाइन करें और अच्छे मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग तथा सोशल ग्रुप ज्वाइन करें। ट्विटर पर सेलिब्रिटीज, लीडर्स को फॉलो करें। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ज्वाइन करें। सोशल साइट्स पर आप नई नई तथा अच्छी मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग बातें पढ़ेंगे, देखेंगे, जो आपके अकेलेपन को भगाने में मदद करेगा। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में सवाल पूछें, लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करें और डिस्कशन में भाग लें। ये चीजें काफी हद तक आपके अकेलेपन को दूर करने में मदद करेंगी। और हां, सोशल साइट्स के ज्यादा एडिक्ट ना हो, नहीं तो आप एक अकेलेपन से निकलकर दूसरे अकेलेपन में चले जाएंगे। नंबर 8, व्यायाम करें, योग करें। रोजाना सुबह शाम या जब संभव हो कुछ देर एक्सरसाइज जरूर करें, या योगा करें, या दौड़ने चले जाइए, या कम से कम सैर करने तो जरूर जाए। सुबह का शांत वातावरण और शुद्ध तथा ताजी हवा दिलों दिमाग को तरोताजा कर देती है, जिससे पूरा दिन एनर्जी तथा स्फूर्ति मिलती है। नंबर 9, अपनी पसंद का खेल खेलें। जब ज्यादा अकेलापन महसूस हो तो अपनी पसंद का कोई खेल खेलें, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि, या आप अपनी पसंद का कोई गेम मोबाइल या कंप्यूटर पर भी खेल सकते हैं। इससे आपका दिमाग अकेलेपन से हटकर खेल पर आ जाएगा और आप खुद को काफी रिलैक्स और तरोताजा महसूस करेंगे। नंबर 10, फोटोग्राफी करें। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो नई नई चीजों की फोटोग्राफी कीजिए। आप अपने मोबाइल या कैमरे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फोटो खींच सकते हैं, नेचर, एनिमल्स या किसी ऐतिहासिक जगह के फोटो खींच सकते हैं। फिर उन फोटो को सोशल साइट्स पर पोस्ट करके अपने दोस्तों के ढेरों लाइक्स या मजेदार कमेंट्स का मजा लीजिए। यकीन मानिए, ये आपके दिमाग को तुरंत अकेलेपन की ओर से हटा देता है। नंबर 11, नई नई जगहों पर घूमने जाएं।
अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं तो किसी पर्यटन स्थल पर घूमने चले जाएं। आप किसी ऐतिहासिक जगह, किला, मंदिर, समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर घूमने जा सकते हैं। कहते हैं कि हवा पानी बदलने से मूड बदल जाता है, तरोताजा हो जाता है। नंबर 12, म्यूजिक सुने, डांस करें। अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने या डांस करने से भी अकेलेपन से बचा जा सकता है। अपनी पसंद का म्यूजिक बजाकर उस पर दिल खोलकर डांस करें, चाहे आपको डांस आता हो या नहीं आता हो। सब कुछ भूलकर बस मस्ती में झूम जाएं। ये आपके मूड को फ्रेश कर देगा। नंबर 13, पॉजिटिव सोचें। हमेशा हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि सब अच्छा होगा। नेगेटिव सोचने से आप और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। नंबर 14, अहंकार को भूल जाएं। अक्सर लोग अपने अहंकार के कारण भी अपने आप को अकेला कर लेते हैं। जो लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं उनसे कोई बात पसंद नहीं करता। इसलिए अपने अहंकार, घमंड, ईगो को भूल जाइए और लोगों से नम्र व्यवहार रखें, खुशी के साथ मिलें। फिर देखो, आपके दोस्तों की लिस्ट अपने आप बढ़ने लग जाएगी और लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा और आप निश्चित ही अकेलेपन से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 15, कुछ नया करने की कोशिश करें। जब भी समय मिले कुछ नया करने की कोशिश करें, जैसे कुकिंग करें, डायरी लिखें, ब्लॉग लिखें, घर के काम करें, बागवानी करें आदि। हमें कुछ नया करने से दिमाग एक जगह से हटकर दूसरी जगह लगेगा और आप अकेलेपन से बच सकेंगे। नंबर 16, नशे, ड्रग्स से दूर रहें। कभी कभी इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई उसके साथ नहीं है। उसके दिन का चयन और रातों की नींद उड़ जाती है और फिर अपने अकेलेपन से बचने के लिए लोग शराब, ड्रग्स आदि का नशा करने लग जाते हैं। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के नशे से आप अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते, बल्कि नशा तो आपके अकेलेपन और ज्यादा बढ़ा देता है। नशा न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी कम कर देता है। इसीलिए नशे से हमेशा दूर रहें और अपने अकेलेपन के कारणों का पता लगाकर उनको दूर करें। दोस्तों, यहां मैंने अकेलेपन को दूर करने के कुछ उपाय बताए हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक इंसान के लिए ये सभी उपाय यूजफुल होंगे। हर इंसान की सोच, उसका नेचर, उसकी परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन उपायों में से कुछ उपाय तो हर इंसान के लिए यूजफुल जरूर ही होंगे।